उन्नाव जनपद के लोकसभा चुनाव पे भारी मतों से जीत दर्ज कर सब पर भारी पड़े भाजपा प्रत्याशी साक्षी महाराज। लोकसभा चुनाव 2019 में शुरुआत में भाजपा प्रत्याशी साक्षी महाराज को ऐसा लग रहा था कि कहीं उनका जनपद से टिकट न कट जाए। काफी जद्दोजहद करके उन्होंने अपना टिकट बचाए रखा। भाजपा पार्टी ने भी उन पर एक बार फिर से विश्वास जताया और जनपद से टिकट दिया, लेकिन उनके सामने कांग्रेस प्रत्याशी अन्नू टंडन जो कि मजबूत दावों के साथ उन्नाव जनपद में दम भरा। वहीं साक्षी महाराज को तकरीरी करने के लिए एक और महाराज को सपा पार्टी ने मैदान में उतारा। सपा ने अरुण शुक्ला उर्फ अन्ना महाराज ने अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज की। चुनाव होते ही जनपद में सुरसुराहट होने लगी कि मुकाबला एक महाराज का दूसरे महाराज से है। 23 तारीख को जैसे दिन चढ़ता गया चुनावी पारा भी चढ़ता गया। शाम होते होते महाराज से महाराज चारों को ने चित कर दिया और भाजपा प्रत्याशी साक्षी महाराज से रिकॉर्ड जीत दर्ज की है। क्या आपको लगता है इस बार आपको केंद्र में पद मिलना चाहिए, मंत्री पद? भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है। ये माँ और बेटे की पार्टी नहीं है, बाप और बेटे की पार्टी नहीं है, मायावती की लिमिटेड कंपनी नहीं है। यहाँ जो कुछ होता है वो संसदीय बोर्ड तय करता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट दिया और विश्वास व्यक्त किया मैं यहाँ सांसद बना, इतना मेरे लिए पर्याप्त है। जहाँ तक कैबिनेट में पद का मामला है, ये माननीय प्रधानमंत्री का स्वयं का अधिकार होता है। मैं पार्टी का कर्मठ ईमानदार सिपाही हूँ, पूरी ईमानदार से पार्टी की सेवा करता रहूंगा। लेकिन जहाँ तक मंत्रिमंडल का मामला है वो माननीय मोदी जी का व्यक्तिगत मामला है, उसमें किसी को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है, मुझे सलाह देने का और कोई बात उठाने का भी अधिकार नहीं है। मैं केवल ये चाहता हूँ कि बहुत लंबे समय तक माननीय मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने रहें।